हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग ऑफ खाओ पियो जियो। टुडे वी आर एट द स्ट्रीट्स ऑफ धारावी। तो यहाँ पर हमारा जो पहला सेंटर है वो है टेस्टी पराठा कॉर्नर। तो मेरे साथ मेरे भाईजान भी है, रियाज भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। तो ये फर्स्ट स्पॉट आप लेके आए, तो यहाँ पर क्या स्पेशलिटी क्या है? इधर अक्सर ज्यादा करके पब्लिक आके ना पराठा खाने के लिए आती है। अच्छा। बिरयानी खाने के लिए आती है। अच्छा। और इधर बहुत सारे पराठे वेरिएंट्स है, जैसे कुत्ते पराठा हो गया, अंडा पराठा हो गया, मिर्ची पराठा हो गया, बहुत सारे वेरिएंट है। अभी मेरे को इतना ज्यादा याद नहीं है, तो वो बनाते हुए बताएंगे, आप देख लीजिए। तो ये ज्यादातर मोस्टली साउथ इंडियन में चलता है? हाँ, ज्यादा करके साउथ में ये लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि धारा भी साउथ इंडियन से भरा हुआ है। तो इधर के पब्लिक ज्यादा करके पराठा खाने के लिए लाइक करते हैं। ये आमलेट, तू खाता ना बजरी? बजरी खाता? हाँ, बोल देता एक बजरी का। ये चिकन कुत्तो, ये चिकन दाल है देखो। आप देख सकते हो गाइस, काफी अच्छे से बन रहा है। आपका नाम भाई? मोहम्मद भाई। मोहम्मद भाई बनाते हुए कितने साल से काम कर रहे हैं मोहम्मद भाई आप? 10 साल से। 10 साल से आप भी? जबरदस्त, ऑटोमेटिक हाथ चलते हुए इनके। आप भी 12 घंटा काम करते हो? हाँ, 12 घंटा। क्या बात है, आप भी यही खाते हो क्या फिर पराठा? हाँ, यही खाते ना भाई। क्या बात है। चिकन कुत्तू? हाँ, ओके। चीज पराठा दिखने में तो काफी डिलीशियस लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये अभी अपना यूनिक स्टाइल बताएंगे। क्या बात है, ये चिकन का सालन पराठे में चले गया। बस मेरे कपड़े हैं। म्यूजिक बैंड ऑफ धारावी, क्या बात है मोहम्मद भाई, साथ खाने के साथ बैंड भी बजा। तो शादी बारात हो तो भी इनको बुला सकते हैं, काफी अच्छा बैंड बजा देते हैं। चलिए भाई, ये है रेडीमेड आटा मशीन। हाँ भाई, आटा लगाने के लिए। तो ये पराठे का आटा? हाँ, ये मैदा है पूरा। भुनी देखो भाई, कितने किलो की? कितने किलो की? 50 किलो की। 3-4 गोनी पड़ी हुई है यहाँ पर। 3 गोनी निकल चुकी है सुबह से। अरे माँ, 150 किलो बना दिया अभी तक। 3-4 गोनी सर निकल जाते हैं। संडे को 4 गोनी, बाकी के 3। अच्छा, सही है। ये मशीन आपका काम आसान कर रही है। आटा लगाने में आसान है, देख सकते हो आप। बताओ मशीन बताओ। हाँ, क्या बात है। कितना मिनट लगता है आटा गूंदने इसको? 5 मिनट में हो जाता है। क्या बात है भाई। अच्छा, राजन देखो, हम लोग तो अभी लेट हो चुके हैं। ये 30 किलो का बिरयानी यहाँ पर बनता है। तो ये 30 किलो का और वो 30 किलो का, और इधर पे भी 2 है। क्या बात है, 30, 30, 60, 90, 120 kg रोज बनता है यहाँ पर। ये भी देखो, ये भी खाली हो चुका है। तो टेस्टी पराठा कॉर्नर पे अगर आपको आना है तो 12 बजे से पहले आना। ओके, हमको तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप 12 बजे से पहले आना धारावी में, तो ये बेहतरीन बिरयानी खाने के लिए। Thank you.
गाइस ये है चिकन कुट्टू पराठा, चलो टेस्ट करके बताते आपको। बिस्मिल्लाह। हाँ 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 मजा आ गया, क्वाइट अ यमी टेस्ट, डेफिनेटली 4.8 आउट ऑफ 5। ये क्या है? अच्छा अच्छा, इसमें डालना, वन पोर्शन डालना। हाँ, चिकन ग्रेवी। और ये चिकन ग्रेवी, स्पाइसी ग्रेवी। ओके चलो दोनों ग्रेवी भी टेस्ट कर लेते थोड़ा सा इसके साथ में। जो मैंने 4.8 दिया था ना, अब इसको 5 कर दो, ग्रेवी के साथ में और जबरदस्त टेस्ट है। ये थोड़ी स्पाइसी ग्रेवी भी ले लेंगे। ग्रेवी का पैसा है, एब्सोल्युटली स्टर्निंग ग्रेवी, माशाल्लाह मजा आ गया। ज्ञान भाई हमारे खा रहे हैं वजड़ी बकरा ईद स्पेशल। फोर दोगे? क्या कैसा, मतलब टेस्ट में कैसा है? और फ्राई करने का? हाँ थोड़ा फ्राई और स्पाइसी कम है। अच्छा स्पाइसी कम है, तो सालन डालेंगे तो स्पाइसी बराबर हो जाएगी। हाँ सालन डालेंगे तो फिर फ्राई होगा। नॉर्मल पराठा विद ग्रेवी टेस्ट करते हैं। एब्सोल्युटली वंडरफुल टेस्ट, ना ज्यादा एकदम स्पाइसी है ना फीका है, टेस्ट में जबरदस्त है और पराठे के साथ माशाल्लाह। फाइनली वी गॉट चिकन बिरयानी, बिरयानी तो नहीं आई गेस इट्स अ पुलाव, पुलाव बोल सकते इसको। एंड थोड़ा सा अंडा लेंगे। चलो टेस्ट कर दें। बिस्मिल्लाह। कुछ भी बोलो, सालन का ही पैसा है। सालन को आप बिरयानी में मिक्स करके खाओ, पराठे में मिक्स करके खाओ, तो ये जो सालन जो है मेन इनका यूएसपी है। सालन को आप किसके भी साथ खा लो, एक नंबर टेस्ट दे रहा है। वेलकम टू खाओ पियो जियो। டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு? ஆ ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு சாம்பார். சூப்பர் சென்னை சூப்பர் கிங் விசல் போடு. மட்டன் பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி? சிக்கன் பிரியாணி. சிக்கன் பிரியாணி. ஓகே. ஏ கே साथ में सालन? ये सालना है. ग्रेवी. ग्रेवी. आपको कैसा लग रहा है? हां अच्छा है. 5 में से कितना देंगे? 4.5. 4.5. बोलो खाओ पियो जियो. खाओ पियो जियो. लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. लाइक एंड सब्सक्राइब टू शेयर. थैंक यू. मिस्टर एंथनी सर वेलकम टू खाओ पियो जियो। सर बताइए कभी आपने स्टार्ट किया था टेस्टी पराठा कॉर्नर? 10 साल पुराना रेस्टोरेंट, 2013 में स्टार्ट किया। 2013 में? मोर देन 10 इयर्स हो गया है। ओके वेरी गुड। यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? जैसे पराठा तो आपने दुकान का नाम रखा है, पराठा और बिरयानी ज्यादातर जाता है। ओके बिरयानी, मटन बिरयानी है, चिकन बिरयानी है। अच्छा मटन चिकन सब। तो ये कभी ओपन कब होता है? तो मॉर्निंग में 11:30 से लेकर रात को 12 बजे तक। रात को 12 बजे तक? अच्छा तो मतलब ऑलमोस्ट 12 घंटे चालू रहता है। वेरी गुड। नेक्स्ट स्पॉट मदर टेरेसा होटल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ की बिरयानी खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हो फिलहाल यहाँ पर मिल रहा है मेदू वड़ा गरम गरम। क्या भाई कहते हो, बिरयानी कभी खत्म होती है यहाँ पर? 2 बजे खत्म हो जाती। तो हम लोग वापस से लेट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको बिरयानी, कुल्लू पराठा एंड ऑल थिंग्स यू विल गेट ओवर हियर। सर हाउ इज द टेस्ट, टेस्ट कैसा है? हमारा तिरुनवली का स्पेशल है। तिरुनवली का स्पेशल? ये तिरुनवली किधर आता है, कौन से रीजन? ये कन्याकुमारी के बाजू में, इंडिया इज लास्ट बॉर्डर के एक शॉप आगे का। अच्छा अच्छा बस यहाँ पर आपको जो है हमारा साउथ का तिरुनवली का परोठा, अच्छा अच्छा, और ऑमलेट, बिरयानी हो गया, केला का पत्ते का वेज। हाँ देख लो हमें केले के पत्ते में, आपने तो फटाफट प्लेट खत्म भी कर दी, एकदम बढ़िया लगता है ना। आरे कॉलोनी से गोरेगांव से यहाँ पे आते हैं हम लोग। गोरेगांव से आप आ रहे हैं, क्या बात है, देखो ऑल द वे फ्रॉम गोरेगांव ये टेस्ट पाने के लिए। तो आप घर पे क्यों बैठे हो, आप भी यहाँ पर आइए होटल मदर टेरेसा में और ये टेस्ट पाना है तो होटल मदर टेरेसा इज द राइट स्पॉट फॉर यू।
श्री बालकृष्ण चिक्की मार्ट हमारा नेक्स्ट स्पॉट है और यहाँ पर आपको होलसेल में मिलेंगे चूड़ा, वेफर, फरसान, चिक्की और दही। चल देखते क्या क्या है अंदर। देखो यहाँ पर जो है होलसेल में आपको चूड़ा मिलने वाला है, काफी धारावी जो है फेमस है फरसान चूड़े के लिए। यहाँ पर आप वेफर, चिप्स वगैरह देख सकते हो, ये बचपन की यादें ताजा कर देगी आपको। ये वाली चिक्की या चकली बोलते हैं जिसको, ऑल द वे फ्रॉम साउथ। ये तो मेरा साउथ से आता है। अच्छा पूरा साउथ से आता है, फुल आइटम साउथ से आता है, पूरा साउथ से आता है। बाकी का जो इधर लोकल में बनता है उस तरफ रखा हुआ है चकली वगैरह। अच्छा ओके, ये पूरा इम्पोर्टेड, इम्पोर्टेड मतलब साउथ से आ रहा है। ओके, और यहाँ पर हमारा फेमस दिख रहा है जिसको, हाँ हाँ हाँ, सो क्या बोलते हैं भाई, हाँ अच्छी मोरोग, ये हमारे गली में बेचते थे ऐसा लेके, काफी टेस्ट में अच्छा रहता है ये अच्छी मुर्गी, इज वन ऑफ माय स्पेशल, तो मैं एक ले लूंगा। ये वाले चकली में भी जो है अलग अलग टाइप है, इसको क्या बोलेंगे, मुरुकुरे, हाँ मुरुकु, कांदे करेंगे। अच्छा ये कांदे वाला है भाई, ऑनियन मुरुकु। और यहाँ पर ये देखो ये गार्लिक का है, तो चूड़े के जो शौकीन है उनके लिए ये बेस्ट स्पॉट है। मदुरई से आता है, क्या बात है, ये बताइए क्या है ये, बटर चकली भी है, वाह वाह, चकली में भी इतनी इतनी वैरायटी है। अच्छा ये आंध्रा का स्पेशल, इसको क्या बोलते हैं भाई, आंध्रा मुरकु, क्या बात है आंध्रा मुरकु। चलिए खारी तो मैं वन ऑफ माय फेवरेट, तो मैं एक मस्का खारी भी ले लूंगा। चलो ओहो बचपन की बिस्किट, ऊपर क्रीम लगा हुआ है देखो यहाँ पर, हाँ हाँ हाँ, ये दुकान हमको 15-20 साल पीछे लेके चली गई, क्या बात है। यहाँ पर नमकीन में देखो गुजराती नमकीन भी है यहाँ पर। डाइट में क्या क्या है, जवारी अपना, अच्छा बाजरा, ये सही मुरमुरा है। हेल्थ वाइज भी ये चूड़े अच्छे, देखो जवार का है, बाजरे का है, कुरमुरा देख सकते हैं आप यहाँ पर, जवार बाजरा ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। एक पैकेट कितने का आता है भाई, ये काफी अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस मिलता है यहाँ पर, तो डू विजिट दिस शॉप, ओके। यहाँ पर जो ड्रिंक है बाय वन गेट वन फ्री भी है, प्रिया गोल्ड के लीची जूस, ऑरेंज जूस, और ये बच्चे जो खास तौर पे खाते हैं वेफल्स, नबाटी जो हमारे यहाँ मिलता है, राइट। ये कितना भाई, ये वन बाय वन गेट वन है क्या, 50 का 1, 100 का 4, तो ऑब्वियसली सब 100 का लेंगे। तो भाईजान बताएंगे आपको, भाई बताओ ना इस स्कूल के बारे में क्या है। ये स्कूल करीबन, जो मैं जानता हूँ कि ये करीबन 50 इयर्स ओल्ड पुराना स्कूल है। अच्छा। जैसे मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, और ये जो स्कूल है ये पहले स्टार्टिंग इधर से हुई थी, ओके, और उसके बाद वो स्कूल बना। अच्छा इतना बड़ा स्कूल बना दिया फिर, तो शुरुआत इधर से हुई है, जो मेरे दोस्त लोग हैं, ओके, सब इधर ही पढ़े थे। आप भी यहीं पढ़े? नहीं नहीं, मैं इधर से नहीं, मतलब मेरे दोस्त लोग ज्यादा करके इधर से पढ़े, और उसके बाद वो लोग ने, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो बड़ी स्कूल बने। अभी ये 12th तक हो चुका है, 12th स्टैंडर्ड तक। अभी तो हमने मदर टेरेसा होटल भी देख लिया, टेस्टी पराठा कॉर्नर भी देख लिया, और लेकिन गर्मी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो क्यों ना कुछ लस्सी हो जाए, इंशाल्लाह लस्सी पियोगे, चांस पियोगे, लस्सी लस्सी। चलो एक लस्सी ऑर्डर कर देते हैं। हियर वी आर एट द शालीमार मिल्क सेंटर। अमन भाई
चलो टेस्ट करके बताओ। तो बिस्मिल्लाह करते देखते कैसा है, हमारी टंकी डायरी की लस्सी को बीट कर देगा। इन लोगों की लस्सी बहुत अच्छी है, उन लोगों ने मलाई की भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखी है। नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं फिरनी। बहुत हमने वहाँ पर चिकन मटन बजड़ी और सारे सालन टेस्ट करे, तो अब थोड़ा सा मीठा हो जाए। एब्सोल्युटली स्टनिंग टेस्ट, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इसमें जो लेयर है काफ़ी अच्छा है, और अंदर के जो जैसे वो साबूदाने जैसे बूंदी आते हैं वो मस्त टेस्ट दे रहा है। सर ये देखो, ये ट्राई करो, ये कुछ न्यू आइटम देखने को मिला। ये कुछ नया है, क्या है भाई ये? मलाई रोल। क्या चीज़ से बनती है ये? मलाई से ही बनती है ना। ओहो, ये अंदर के इंग्रेडिएंट्स है, मतलब ये कॉम्बिनेशन है। हाँ, रस मलाई कैसी होती है उसको जो है रोल बना दिया है। देखो ना इसके अंदर आप देख सकते हो केसर वगैरह है। मोस्टली हम लोग चिकन रोल या अंडा रोल खाते हैं, सीता गैम में 25 रुपए का अंडा रोल आता है। आज मीठा मलाई रोल, मीठा मलाई रोल। कैसा लगा आपको टेस्ट? टेस्ट तो करने दो भाई। मस्त है, स्वीट ज़्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली स्वीट डिश है तो स्वीट ज़्यादा है भाई। मस्त है खाने में, मस्त है एकदम। चिंटू गुलाब जामुन, द स्मॉलेस्ट गुलाब जामुन एवर आई हैव सीन। बारबेक्यू में भी ऐसे थोड़े मिलते थे ना। पुचुक करके पुचुक गया, मतलब टेस्ट करने आ। ठीक है, इट्स 4 out of 5। फाइनली आईसी रेस्टोरेंट इन धारावी। दो हाफ राइस खाए और थम्स अप पिए। दो हाफ राइस और थम्स अप। हाँ। बस इतने में पेट भर गया? बस नहीं, और है अभी, और खाते पर पेट भर गया। अच्छा, कैसा रेटिंग में दोगे तो कितना दोगे रेटिंग? 10 में से 7। 10 में से 7, बाकी के 3 क्यों नहीं? क्योंकि 3% और एसी का ज्यादा चार्ज ले लेते हैं ना। अभी थोड़ा 3% माइनस बोल देंगे, एसी का चार्ज इतने नहीं लेंगे ना। मैं 10 में से 8% 2% किस क्योंकि थोड़ा लेट में लागे के दिए थे ना। ओके, थोड़ा खाना एक नंबर था, ऑर्डर थोड़ा डिले हो गया इस वजह से। क्या खाना एक नंबर था? खाना एक नंबर था। क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत कुछ खा लिया था इसलिए हमने रहमत रेस्टोरेंट में ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया। ये था हमारा ओपन शोरमा प्लेटर, और टेस्ट में क्या बताऊँ, ज़्यादा अच्छा नहीं था और ठंडा भी था। तो देन टू वी कैन गिव इट 3.8 out of 5, क्योंकि शायद हम और टाइम में आए थे इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन ये जो जूस था माशाल्लाह काफ़ी रिफ्रेशिंग था, मोजीटो जूस, और मुझे बहुत पसंद आया ये ब्लूबेरी वाला जूस। फाइनली हम जाते हैं हमारे फाइनल डेस्टिनेशन में, जिसका नाम है नवाब सिख कॉर्नर, और ये इनका लेटेस्ट जो है ब्रांच ओपन हुआ है धारावी माटुंगा में। सो लेट्स चेक आउट। तो फाइनल स्पॉट पे हम आ चुके हैं नवाब सिख कॉर्नर, आफ्टर डोटा की जोगेश्वरी कुर्ला, नाउ इन धारावी। यहाँ पर आप देख सकते हो कम विथ में, तो यहाँ के इंग्रेडिएंट्स भी रेडी थे और यहाँ के शेफ भी रेडी थे बनाने के लिए, और यहाँ का जो अंदर का एम्बियंस था वो भी काफ़ी अच्छा था। तो मिनिमम 25 और मैक्सिमम 35 लोग जो है अंदर बैठ सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे एक कॉल आ गया, एक इमरजेंसी कॉल, किसका नहीं, बस मेरी वाइफ का कॉल आ गया, और मुझे ये ब्लॉक बीचों बीच छोड़ के जाना पड़ा, और मुझे चिकन सीख को टेस्ट कर दे नहीं मिला। तो यहाँ पर अमन आपको टेस्ट करके बता देंगे चिकन सीख कैसा था, देखते रहिए आगे तक। Thank you.
बहुत अफसोस हुआ कि अशरफ सर ही इस चीज़ के लिए नहीं है, तो इंशाल्लाह अशरफ सर वी आर एंजॉयिंग, थैंक यू सो मच। चलो जवाब आप खाइए निवाला और टेस्ट करके बताइए कि कैसा है क्या है। आप भी नीचे स्टार्ट कीजिए, आप तो खाइए भाई पहले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। तो कैसा लगा आपको टेस्ट? काफी अच्छा है माशाल्लाह। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। रुक जाइए, उनको थोड़ा सीख का इन डेप्थ पूरा क्रंचीनेस टेस्ट करने दीजिए। बहुत फ्रेश है, यमी है, जूसी है, पराठा बहुत क्रिस्पी है। फर्स्ट बाइट में मालूम पड़ रहा है कि कितना अच्छा बना हुआ है। तो दोस्तों ये स्ट्रीट फूड ऑफ धारावी यहाँ पर एंड होता है। बहुत ही मज़ा आया अलग अलग डिशेस को ट्राई करके। आई होप आपको देख के ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जाते जाते हम आपको ये भी बता दें कि WWE के फेमस शॉन माइकल भी धारावी में आए थे घूमने के लिए। तो ये कुछ झलकियाँ उनकी आप देख लीजिए। अनटिल नेक्स्ट टाइम, खाओ पियो एंड जियो।